स्वागत है सभी का एच एन ट्रिकी जीके क्लास में। बाल विकास, मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा सीटेट, यूपीटेट और अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बुद्धि लब्ध के मान तथा उनके अर्थ। देखिए, 140 या इससे अधिक तो वो बालक प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस होगा, और जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से 139 तक होती है वो अतिश्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर, और वहीं बात करें जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से 119 तक होती है वो श्रेष्ठ होता है यानी कि सुपीरियर। उसके बाद में 90 से 109 तक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा यानी कि नॉर्मल। जिसकी बुद्धि लब्धि 88 से 89 तक होती है वो मंद बुद्धि का होगा यानी कि डल, और जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 79 तक होती है यानी कि 79 तक होती है वो सीमांत मंद बुद्धि यानी कि फीबल माइंडनेस का होगा, और जिसकी आईक्यू लेवल 60 से 69 तक होती है 69 तक होती है वो मूढ़ बुद्धि का होता है यानी कि मोरोन होता है, और जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से 61 तक होती है वो हीन बुद्धि का होता है यानी कि इम्बिसाइल का होता है, और या फिर जिसकी बुद्धि लब्धि 20 या 20 से कम होती है उस वो जड़ बुद्धि का होता है यानी कि इडियट। तो यहाँ से आईक्यू के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रश्न बनते हैं, इसको जरूर आप तैयार करें। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से 139 तक होती है वो प्रतिभाशाली होगा या अतिश्रेष्ठ होगा या श्रेष्ठ होगा या फिर सामान्य। तो इसका राइट आंसर होगा अतिश्रेष्ठ यानी कि वेरी सुपीरियर। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसकी आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है तो वो किस प्रकार का बालक होगा, तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विने साइमन परीक्षण का निर्माण विने तथा साइमन ने फ्रेंच भाषा में 1905 में किया था। सवाल यहां से ये बनता है कि विने साइमन परीक्षण का निर्माण कब और किस भाषा में और किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कि विने साइमन परीक्षण का निर्माण विने के द्वारा किया गया था, विने और साइमन के द्वारा किया गया था, वो भी फ्रेंच भाषा में किया गया था और 1905 में किया गया था, और विने साइमन जो परीक्षण है वो एक प्रकार का वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है इस परीक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब और कहां पर किया गया। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण अमेरिका में सन 1905 में किया गया था। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसके द्वारा किया गया। तो मानसिक आयु सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में विने और साइमन के द्वारा किया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वेसलर बुद्धि परीक्षण। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वेसलर बुद्धि परीक्षण का निर्माण वेसलर के द्वारा किया गया, और वेसलर ने वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए सन 1939 में एक मापक तैयार किया जिसका नाम उन्होंने वेसलर वैल्यू मापनी रखा, और 1955 में इस परीक्षण का नाम बदल करके यानी कि वेसलर वैल्यू मापनी का नाम उन्होंने सन 1955 में
बदल करके इसका नाम इन्होंने वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी यानी कि WAIS, इसका पूरा नाम होगा वेस्लर एडोलसेंस इंटेलिजेंस स्केल रखा गया, और 1981 में इसे फिर संशोधन करके इसका नाम WAIS-R रखा गया, यानी कि वेस्लर एडोलसेंस इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज रखा गया। इस परीक्षण में बुद्धि की माप 3 प्रकार से की जाती है, यानी कि वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी में बुद्धि का परीक्षण कितने प्रकार से की जाती है, तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार से बुद्धि की माप की जाती है। नंबर 1 शाब्दिक मापनी का बुद्धि परीक्षण, यानी कि इसके अंतर्गत शब्दों के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। नंबर 2 क्रियात्मक मापनी का बुद्धि परीक्षण, ये जो पढ़े लिखे कम होते हैं या जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है उनको, उनका परीक्षण क्रियात्मक या कार्यों के आधार पर उनका बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। और नंबर 3 संपूर्ण मापनी का बुद्धि परीक्षण, इसके अंतर्गत शाब्दिक और क्रियात्मक मापनी दोनों का बुद्धि परीक्षण एक साथ किया जाता है। तो यहाँ से सवाल ये बनता है, वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी के अंतर्गत कितने वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण का मापन किया जाता है? तो वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी के अंतर्गत 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है। आइए देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि वेस्लर बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब और किसने किया? तो वेस्लर बुद्धि परीक्षण का निर्माण वेस्लर ने वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए सन 1939 में किया था, और जब इन्होंने 1939 में ये बुद्धि परीक्षण किया था तो इसको एक मापक इन्होंने बनाया था और उसका नाम वेस्लर वैल्यू मापनी रखा। फिर इन्होंने वेस्लर वैल्यू मापनी को 1955 में इस परीक्षण का नाम बदल करके क्या रखा? तो वेस्लर वैल्यू मापनी का 1955 में इस परीक्षण को बदल करके इन्होंने वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी यानी कि WAIS रखा। फिर 1981 में इन्होंने वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी को 1981 में बदला, संशोधन करके फिर इसका नाम किया WAIS-R यानी कि वेस्लर एडोलसेंस इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज फिर रखा। तो ये थी वेस्लर बुद्धि परीक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसके बाद वेस्लर ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए दूसरा परीक्षण 1949 ईस्वी में किया। तो सवाल यहाँ से ये बनता है कि वेस्लर ने जो पहला बुद्धि परीक्षण था वो किसके लिए किया था? तो वेस्लर ने पहला बुद्धि परीक्षण वेस्लर वैल्यू मापनी यानी वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए सन 1949 में किया था। और वहीं दूसरा प्रश्न ये बन रहा है कि वेस्लर ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया? तो वेस्लर ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए दूसरा परीक्षण सन 1949 ईस्वी में किया, जिसे इन्होंने इनका नाम दिया वेस्लर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए, यानी कि WISC। इसका पूरा नाम क्या होगा? वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड, यानी कि वेस्लर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए। तो इसका आविष्कार इन्होंने कब किया? सन 1949 में किया, और WISC के द्वारा यानी कि वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बुद्धि मापी जाती है। इस परीक्षण का भी संशोधन इन्होंने 1974 में किया और इसे फिर नाम दिया WISC-R। तो W से हो जाएगा वेस्लर, I से इंटेलिजेंस, S से स्केल, C फॉर चाइल्ड और फॉर रिवाइज। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि वेस्लर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए इन्होंने कब संशोधन किया इस परीक्षण को?
तो 1974 में संशोधन किया और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, WISCR यानी कि वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड रिवीजन या रिवाइज रखा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।